नमस्कार। इस समय चंदौली जनपद के नर्सिंग कॉलेज का एक मामला चर्चा में है। यथार्थ नर्सिंग कॉलेज के संचालक और धनंजय सिंह जी, नर्सिंग कॉलेज में इस वर्ष 2015 से रितु नाम की युवती वार्डन और रिसेप्शनिस्ट के पद पर कार्यरत रही। हाल ही में उसने कॉलेज छोड़ दिया और अपर पुलिस महानिदेशक पीयूष मोडिया के यहाँ प्रार्थना पत्र देकर शिकायत दर्ज कराई थी कि डॉक्टर धनंजय सिंह ने मुझे आर्थिक लाभ का झांसा देकर मुझे लखनऊ ले जाने की बात कही, जिसके कारण मैंने कॉलेज छोड़ने का निर्णय लिया, जिसके बाद मुझे धमकी दी जाने लगी, जिसके संबंध में चंदौली सदर कोतवाली के थाना प्रभारी निरीक्षक गगनराज सिंह ने इस मामले की पुष्टि की और कहा कि अग्रिम कार्यवाही में पुलिस जुटी है। अब इस मामले में धारा 74, 351, 352 और 316 के तहत एडीजी के निर्देश पर मामला दर्ज किया गया है। जब इस संबंध में यथार्थ नर्सिंग कॉलेज के संचालक डॉक्टर धनंजय सिंह से जयदेश न्यूज एंकर खुशरंग हिना की ओर से बातचीत की गई, तो उन्होंने मामले को निराधार बताया और उनका कहना है कि रितु ने कॉलेज में गफला गया था, जब उसकी पोल खुल गई तो उसने नई कहानी गढ़ दी और मेरे ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगा दिया। धनंजय सिंह ने कहा कि मैं एक चिकित्सक हूं और क्षेत्र के सम्राट लोगों में मेरी गिनती आती है। मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाया गया है वो गलत और निराधार है। अब आइए जानते हैं कि इस सारे आरोपों में डॉक्टर धनंजय सिंह क्या कहते हैं। तो हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं डॉक्टर धनंजय सिंह। नमस्कार धनंजय सिंह जी। जी बताओ। मैं धनंजय सिंह जी, आपके ऊपर जो आरोप लगाया गया है उस युवती के द्वारा, इस आरोप में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये आरोप निराधार है हमारे यहाँ, क्योंकि वो शुरुआत में हमारे यहाँ जीएनएम में एडमिशन लिया था और फीस न देने के कारण वो कॉलेज छोड़ चुकी थी। छोड़ने के बाद वो इधर उधर भटक रही थी। संजोग से एक बार हमसे वो मुगलसराय मिल गई, तो मैंने अपने ड्राइवर से उसको बुलवाया, उससे पूछा कि क्या कर रही हो, क्यों इतना विक्षिप्त टाइप की घूम रही हो। तो उसने बताया कि सर हम अपने यहाँ तलाक का मुकदमा लड़ रही हूँ, दूसरी चीज ये कि जो है हम बहुत परेशान हूँ, 3000 रुपए के लगभग हमको सैलरी मिलती है, मैं एक स्कूल में पढ़ाती हूँ, पढ़ाने की उस पैसे का मैं बनारस और चंदौली में मुकदमा लड़ती रहती हूँ। तो धनंजय सिंह जी, 2015 में आपने उसे हायर किया था? जी, 2015 जी लगातार 2015 में मेरे यहाँ वो एज ए वार्डन और रिसेप्शनिस्ट की काम के लिए नियुक्त हुई। तो दोनों काम देखी, फिर उसके बाद 4 साल बाद जो है, क्योंकि INC का गाइडलाइन आ गया कि वार्डन जो है टीचर ही रह सकती, तो वार्डन वो नहीं थी, बस वो रिसेप्शन पर बच्चों का फीस का फार्म भरना, बैंक भेजना और हॉस्टल की फीस जो है जमा करना, तो इतना काम वो करती थी। तो जो बच्चे, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन के समय ही हमारे यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा की फीस रिसिप्ट है वो दे दी जाती है कि वो बच्चे सेमेस्टर वाइज फीस अपना जमा करते हैं। जो बच्चे बाहर रहते हैं, बाहर से आते हैं, वो बच्चे खुद जमा करते हैं। हॉस्टल के बच्चों को चूंकि समय नहीं मिलता, क्योंकि रविवार को बैंक बंद रहता है, रविवार को ही उनको छुट्टी मिलती है और दिन उनके क्लास चलते हैं, तो उनसे ये पैसा ले लेती थी, लेके जमा करती थी। अब इसने क्या काम किया कि 45,000 की जगह 5,000 बैंक में जमा किया और 4 जमा होने के बाद वो जो है 4 अलग से बना देती थी, फिर शब्दों में भी 4-4 लिख देती थी। ऐसा जो है करके जो है कुछ घटनाएं हुई, मेरे संज्ञान में आया तो मैं बैंक पता कराया, तो बैंक मैनेजर ने बताया कि नहीं, आपके यहाँ से जो है घपले हुए हैं। तो मैं इसे बुलाया कि भाई तुमने क्यों ऐसा किया, साग सर हमें जो है रवि सर ने हमको पहले बताया कि जो है आप ऐसा करो, कभी कभी जो है करते रहे, तो मतलब बकायदा उनको घपला करने की ट्रेनिंग दी गई। हाँ, ट्रेनिंग दी गई। तो फिर उसके बाद जो है हम इससे कहे कि ऐसा ही बताओ कि तुमने क्यों ऐसा किया, तुम्हें तो हमने एक गरीब और असहाय निराश्रित तलाकशुदा, तुमको भी मैंने यहाँ रह के कर रही हो, खा रही हो, पी रही हो, साथ में तुम्हारी लड़की भी रह रही है, खा रही है, लड़की को शिक्षा भी दिला रही हो। कहे सर हमारी लड़की को किसी भी तरह से न मालूम हो, हम आपका सारा पैसा गहना बेच, उस पैसों का मैं गहना खरीदी हूँ, गहना बेच के मैं दे दूंगी। तुमके ठीक है, दे देना जो है।
फिर उसके बाद जो है हम जो है दो दिन चार दिन सोचे कि भाई चलिए बेच के दे देगी। मैं उसको बुलाया, कहा सर मैं दे दी हूँ, पैसा भी नहीं मिला, पैसा मिलेगा तो दे दूंगी। लगातार जो है हमको देती रही इसे कि हम दे रहे हैं दे रहे हैं। इधर जो है एक हफ्ते पहले उसने कहा कि सर मेरे पास पैसा नहीं हो पा रहा है, हम नहीं दे पाएंगे, हमारा सैलरी से हमारा पैसा काम की बताओ तुम्हारी सैलरी से कितना कटेगा। अब तुम इतना बड़ा घोटाला कि पहले कही कि मैं सर मैं नहीं दे पाऊंगी। कितने अमाउंट का घोटाला था? लगभग जो है 45-50 लाख का है। 45-50 लाख का घोटाला आपके नजरों के नीचे से हो गया और आपको पता तक नहीं चला? पता ऐसा था कि हमारे स्टेटमेंट मतलब बैंक का जो आता है तो पांच ये लगातार नहीं एक साथ नहीं की, जैसे कि आज दो कर दी, फिर उसके बाद हफ्ता 10 दिन बाद दो की, मतलब हफ्ते 10 दिन में 2-2 लाख का घोटाला होता गया। और आपको पता नहीं चला? के अंदर 1-1 लाख 1.5 लाख दो दो एक ऐसे करती गई जो है। अच्छा, उन्होंने तो इल्जाम लगाया है आपके ऊपर कि आर्थिक लाभ का झांसा देकर आप लखनऊ ले जा रहे थे, ये क्या मैटर? अच्छा, ये बताइए कि आज मैं उस 10 साल से मेरे साथ मेरे यहाँ रही, लगभग 10 वर्षों से रही, मैं उसको बहन बेटी की तरह मानता था, उसकी बेटी को भी जो है हम अपनी बेटी की तरह सम्मान देता था, जब भी देख वो भी दौड़ के पैर छूती थी। ये भी बताइए मैं किसी के साथ ऐसा कर सकता हूँ? मैं अभी इस मामले में जहाँ 100 लड़की लगभग 100 लड़कियाँ यहाँ हॉस्टल में रहती हैं, कम से कम 25-30 टीचर महिलाएं यहाँ रहती हैं। धनंजय जी इस मामले में धारा 74, 351, 352 और 316 के तहत आपके ऊपर मामला दर्ज किया गया है। अब अगला कदम क्या होगा आपका? अब देखिए अगला कदम हम तो यही कहे ना माननीय एडीजी साहब से कि आप एडीजी साहब को ये सोच कर जो मुकदमा दर्ज करना चाहिए था कि जब हमारा मुकदमा हमने 5 तारीख को मेरा मैनेजर तहरीर दिया, मेरे तहरीर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, एडीजी साहब डायरेक्ट उसको जो है दे रहे हैं मुकदमा करने का आदेश दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये मामला कितना तूल पकड़ रहा है? अब देखिए तूल पकड़ने से नहीं है, हम तो दूध का दूध पानी का पानी चाहते हैं। हम तो एडीजी साहब से यही कहेंगे कि इसको आप जांच कराइए, हमारे जो हमारा तहरीर है उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ। आपने क्या तहरीर दिया था? मैंने तहरीर दिया था कि हमारे यहाँ जो घोटाले हुए हैं इतने इतने पैसे का, उसको आप जो है बैंक से जांच कराइए, ऑडिट कराइए और उसके बाद हमारा पैसा दिलवाइए। हमारा उनसे कोई दुराव नहीं है, हमारा उनसे कोई जो है दुश्मनी नहीं है। प्रशासनिक कार्यवाही में अब किस तरह का मोड़ आया है? आप जिस तरह से मीडिया से भी लगातार बात कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, आप भी अपनी सफाई दे रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि 2 दिन में या 1 दिन में कितना आगे ये मामला पहुंच चुका है और आगे क्या मोड़ आ सकता है? अब देखिए अब ये तो हम नहीं बता सकते आगे क्या मोड़ आ सकता है, बस हमको यही है कि दूध का दूध पानी का पानी हो, जो इसमें लिप्त है उनका जो है उनका पर्दाफाश हो। और आरोप मनगढ़ंत लगाने से नहीं हो जाता है। कोई महिला अगर आरोप आज मेरे यहाँ 10 वर्षों से थी जो है, 10 वर्षों में जो है हमारे यहाँ कम से कम 125-150 लड़कियां और महिलाएं रह रही हैं, कोई अगर बयान दे दे कि हम जो है कोई आज तक उनके खिलाफ जो है उनके प्रति ऐसी मेरी सोच रही हो, मतलब आपके अकॉर्डिंग ये जो पूरा मामला दर्ज कराया गया है वो निराधार है, झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं, इसमें जो लोग संलिप्त है आपके वो देखिए। आपको किस पर शक है कि कौन कौन संलिप्त है? देखिए संलिप्त हैं अब वही लोग संलिप्त हैं जिनको हमसे अदावत हो, मैं अपना दुश्मन किसी को नहीं मानता हूँ। फिर भी उनका कुछ नाम तो होगा अगर आपके हिसाब से? नाम हम देखिए हम कैसे बता दें कौन है, लेकिन अब जो अपने से क्योंकि रितु ऐसा गलती की है, हम तो नहीं जानते थे कि रितु का कोई उस टाइप का सहयोगी रहा हो, अब जब यहाँ से निकली है तब उसको सहयोगी मिले होंगे, जो व्यक्तियों को मैंने हटाया है वो सहयोग किए होंगे, जो उसको सिखाया है वो सहयोग किए होंगे, वो भी जो है एक कॉलेज में काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि उन्हीं का सहयोग हो। जो मामला आप पे दर्ज किया गया है इसका आपने खंडन कैसे किया, मतलब क्या मामला जो दर्ज हुआ है इसके बाद आप पुलिस के सामने क्या तहरीर दिए हैं? पुलिस के सामने हम कहें कि भाई आप उसको बुलाइए, आप उससे पूछिए, आप उससे पूछिए कि भाई 10 वर्षों तक तुम्हारे साथ ये घटना नहीं हुई, तुम्हारे साथ जो है आज 10 वर्षों के बाद जब तुम ऐसी बड़ी घटना की हो तब तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है? इस मामले के बाद रितु की आपसे कोई बात हुई है? रितु अभी तो शनिवार को हमारे यहाँ से भगी है रात में ना। अच्छा,
रात में, क्योंकि मैं रात में आश्रम चला गया था, ऋतु रात में जो है हमारे रात वाले गार्ड से मिलकर अपना 3:30-4 बजे के लगभग अपना सामान मान लेके चली गई। अभी भी उसका कमरे का ताला बंद है, हम लोग जानते भी नहीं क्या है क्या नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ऋतु अकेले नहीं है, इसके साथ और लोग भी जुड़े हुए हैं? बिना जुड़े डायरेक्ट, क्योंकि चंदौली जिले का मसला है, यहाँ एसपी से नहीं मिल रही है, एडिशनल एसपी से नहीं मिल रही है, सीओ से नहीं मिल रही है, इंस्पेक्टर सीधे जाके एडीजी साहब से मिल रही है। तो भाई अभी एडीजी साहब से मिलने के लिए तो बड़ा व्यक्ति कोई सहयोगी होगा तभी नहीं मिलेगी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपके छवि को धूमिल करने के लिए ऐसा किया गया है या फिर कोई और बात है? नहीं नहीं, छवि को धूमिल करने के नहीं, ये जो हमारी छवि को धूमिल, ये सब चीजें से छवि नहीं धूमिल होती है, ये सारा समाज जानता है कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ मैं। मैं विगत 20 वर्षों से मैं 2000 से चंदौली में मैं यथार्थ आरडी मेमोरियल हॉस्पिटल का प्रबंध निदेशक हूँ। मैं चंदौली जिले का स्वास्थ्य समिति का सदस्य शुरू से हूँ। मैं जो है पूरे उत्तर प्रदेश नर्सिंग काउंसिल का मेंबर हूँ। मैं उत्तर प्रदेश प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। तो ये मुझे ये सब जो है हम जानते हैं कि हमारी छवि को धूमिल करने का नहीं है, बस केवल उस पैसे का जांच ना हो, मैं चुपचाप समझौता कर लूं और जो उसमें चाल चले हैं, जो जो लोग मिल के पैसा यहां से गायब करवाए हैं उससे, उस लोग कुछ लोग जो सिखाए हैं उसको, जिनका नाम मैं FIR में दिया हूं, वही सब लोग मिल के ऐसा किए हैं मेरा उसमें। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय जी। आगे हम आपसे फिर भी कोई केस से रिलेटेड बात होगी तो बिल्कुल जुड़ेंगे। इसी के साथ हम अपने वाणी को यही विराम देते हैं। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस समय हमारे साथ चंदौली नर्सिंग कॉलेज के, यथार्थ नर्सिंग कॉलेज के संचालक धनंजय सिंह जी थे, जिनके ऊपर आरोप लगा था, ऋतु नामक युवती ने आरोप लगाया था, और इसको धनंजय सिंह ने पूरी तरीके से निराधार साबित कहा है। उन्होंने कहा है कि ये जो भी मामला उन पे दर्ज है वो गलत दर्ज किया गया है। इसी के साथ बने रहिए आप जयदेश न्यूज से, मैं खुश रंगीना, धन्यवाद।